नमस्कार, आप लाइव जुड़ चुके हैं नियत डिजिटल टीवी के साथ और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपको बता दूं कि जम्मू में जो है भूकंप के झटके 1:35 पर जो है वो झटके देखे गए हैं और काफी ज्यादा महसूस इस पे जो है लोगों को हुआ है। और इस समय अगर मैं बात करूं तो मैं मड ब्लॉक के इस समय जो है एरिया में मौजूद हूं और आपको बता दूं कि लगभग पूरे 1:35 पर जो है काफी तेज भूकंप के झटके जो है वो देखे गए हैं। और बताया ये भी जा रहा है, जहां तक हमें खबर मिली है, ये झटके जो है वो तमाम जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी कहा जा रहा है कि इसके झटके जो है देखे गए हैं। अभी तक इसकी तीव्रता जो है वो मैं आपको नहीं बता सकता हूं, पर बड़ी खबर है भूकंप के झटके जो है वो जम्मू में जो है इस समय काफी अगर देखें तो तीव्रता भी काफी जो है वो महसूस हुई। क्योंकि अगर कोई बाहर खड़ा था, चाहे वो किसी घर के अंदर था या कहीं भी कोई अपने ऑफिस में भी बैठा था, तो इस समय जो है वो भूकंप के झटके काफी महसूस हुए और लोग जो है 2 मिनट में डर गए, सहमे और 1 मिनट से बाहर जो है वो निकलने की लोगों ने कोशिश की। और ज्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि इस समय जो है वो छुट्टियां हैं स्कूलों में और लोग जो है अपने घरों में इस समय विश्राम कर रहे हैं, क्योंकि बाहर जो है काफी गर्मी भी है। पर उसी के चलते आपको बता दूं कि भूकंप के झटके जो इस समय महसूस किए गए वो जम्मू में, चाहे वो ग्रामीण एरिया हो या फिर जम्मू के पूरे डिवीजन की बात करते हुए, यहां तक हमें सूत्रों के हवाले से खबर लग रही है कि इसमें कश्मीर में, लद्दाख में भी भूकंप के झटके जो हैं वो देखे गए हैं। और लगातार हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 1-1.5 साल से भूकंप के झटके जो हैं वो जम्मू कश्मीर में, अगर मैं यहां तक मैं सही हूं, 2-3 बार तो हम लोगों ने ये भूकंप के झटके जो है वो महसूस कर लिए हैं। और अभी भी जिस तरह से हर कोई अपने काम में व्यस्त था, हम लोग भी अपने काम में, अपने ऑफिस में बैठकर अपने काम में व्यस्त थे, पर इतनी ही देर में जो है वो झटके जो है वो लगना शुरू हुए। पहले जब झटके लगते हैं उसके बाद फिर रुक जाते हैं, उसके बाद दोबारा से जो है वो 2-3 बार इस तरह से महसूस किए गए हैं। और ये बड़ी खबर आपको लाइव एंड नियर डिजिटल टीवी के माध्यम से इस समय मैं आपको बता रहा हूं कि जम्मू में जो है भूकंप के झटके, जाने की अर्थक्वेक जो है वो महसूस किया गया है। तीव्रता इसकी जो है लगभग अभी तक जो है वो बताई नहीं गई है। और मैं आपको बता दूं कि काफी ज्यादा महसूस इस समय किए गए, क्योंकि हमें लगातार जैसे ही भूकंप के झटके आए हमें फोन कॉल्स भी आ गए, कुछ ऑफिस से 1-2 कॉल आई कि क्या आपको महसूस हुए हैं। और यहां तक हमने पता किया, हमने जो है वो आरसपुरा तक भी पता किया, अखनूर से भी पता किया, लगभग हर जगह लोगों को जो है इस समय भूकंप के झटके जो है वो महसूस हुए हैं। और इसका अगर मैं आपको समय बता दूं, ये लगभग 1:36 पर ये भूकंप के जो है वो अर्थक्वेक के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। और लाइव आपको मैं ये चीज जानकारी दे रहा हूं कि जो ये झटके जो है ये लगभग इस समय, आपको बता दूं जो हमें अपडेट आ रही है इसमें, मैं आपको बता दूं ये काफी सूत्रों के हवाले से आ रही है, जो उसमें कश्मीर की भी अगर बात करते हुए, उसमें फिर अगर लद्दाख की भी बात करें, और ये जितना भी एरिया है उधमपुर, कठुआ, सभी जगह ये चीज इस समय बताई जा रही है कि ये भूकंप के झटके जो है हर जगह महसूस किए गए। और काफी ज्यादा अगर देखा जाए लगभग 1-1.5 साल में जो है ये भूकंप के झटके देखे गए हैं। और काफी इसके रीजन जो है वो बड़े सारे निकलते हैं कि क्या वजह है कि इस तरह से जो है वो जम्मू कश्मीर में अब जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस होने लगे हैं। और अगर अगर हम माने तो इसके ऊपर जो है वो काफी ज्यादा डिबेट भी होती है, बहसबाजी भी होती है। और काफी पहले अगर बात करें तो इस तरह से भूकंप के झटके जो है बड़े कम महसूस हुआ करते थे, बड़ा रेयर देखा जाता था, कभी 4-5 साल के बाद कभी इस तरह से जो है भूकंप का झटका जो है वो महसूस हो जाए। पर अब जिस तरह से लगातार पिछले 1-2 साल से जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं, यहां तक कि लोग अपने जो कमरों में बैठे हुए थे, जो फैन थे, जो सब वो जो है वो हिलना शुरू हो गए और लोगों में जो है वो डर एक पैदा हुआ और तमाम बच्चे लेकर जो है अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया। लाइव आपको जो है जानकारी मैं दे दूं कि जम्मू कश्मीर में 1:36 पर जो है भूकंप के झटके जो है वो महसूस किए गए हैं।